everyone. This is Alicia Dias. And this is Fahad Wahidi. And we are here at the Tu Mera Nahi press conference. And यहाँ पे हम आपको बताएंगे basically इसकी जो music production है वो साध हयात ने की है. It's directed by Rafi Asrar. And also, what did you act as? Well, I'm doing as a lead in this music video, and it's very complicated. And I'm really looking forward for this video because इसका जो concept है बहुत different है. बहुत एक नेचुरल चीज़ जो है, हमने कंटेंट जो है उस पर काम करा है, और बहुत एक बेसिक जो ह्यूमन लाइफ में जो हम सबके साथ, आपके साथ, हमारे साथ, सबके साथ अमूमन हो ही रहा होता, उस कंटेंट के ऊपर हमने काम करा और कोशिश करी है कि कोई ऐसी चीज़ कन्वे करें, ऐसा मैसेज कन्वे करें जिससे हम सबको फ़ायदा हो, और एक ऐसा प्रोडक्ट ला के शो करें जो हम सबको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, हमें अच्छा लगे. अच्छा, तो द लिरिक्स एंड द कंपोजिशन आर डन बाय मी. ये गाना basically लिखा गया था for someone who apparently doesn't even know how I feel about that person. Old story. This is like in the past. Okay. So, but of course, that feeling was there, and because of that, I was able to write the song. And like you know, we all face this kind of an experience where we like someone or love someone, and either they don't know, or they don't accept, or they reject us. But different. But this is basically a one-sided love story. Oh, okay. Yeah. Okay. Music video के बारे में कुछ बताएं? यार, ये music video जो है, इसमें हमने बड़ा दिल लगा के काम किया है. इसमें हमने productions में भी जोर लगा के काम करी है. हमारे पास बहुत मिनिमम रिसोर्सेज थे, लेकिन हमने चाहा कि जो एक्सपोजर मिले इस वीडियो को, वो ऐसा मिले कि किसी के दिमाग में आए ही ना कि इनके पास जो है वो रिसोर्सेज कम थे, या फिर इनके पास फैसिलिटीज़ कम थी, या जो भी था. हमने एक मैसेज कन्वे करने के आए, जो हमारा वो है अपना, हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारी म्यूज़िक वीडियो है, वो एक ऐसी कॉमन वीडियो है कि वो हर किसी की लाइफ में हो रहा होता है, वो आपकी लाइफ में भी. और हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है जो आपकी लाइफ में भी हो रहा होता है, ये हमारी लाइफ में भी हो रहा होता है, और जो पास मतलब जो लोग हमारे वालदैन और जो भी हुआ है सबके साथ होता है, ये कॉमन सिनेरियो है. इसके ऊपर हमने काम करा है, और हमारी टीम बहुत अच्छी थी. वी वर्कड फॉर अराउंड 3 डेज ऑन इट, 2 डेज और 3 डेज अप्रॉक्स. तो हमारी टीम बहुत अच्छी थी. अलिसिया ने गाना बहुत अच्छा लिखा है, और राफी ने डायरेक्शन बहुत अच्छी करी है. फरहान गोल्डन इसके DOP थे, उनकी टीम बहुत अच्छी थी, कोऑपरेटिव थी बहुत. बाकी अलिसिया ने गाना बहुत अच्छा गाया, एक्ट बहुत अच्छा गाया. आपने एक्टिंग बहुत अच्छी की. नहीं, हमने कहा एक्टिंग करी, हम तो मजदूर लोग हैं जो अलिसिया के बस. मुझे जब ये पता चला कि ये हमने वीडियो करनी है, ऐसा ऐसा है, मुझे किसी ने वो अप्रोच करा, तो मैंने बेसिकली जो है वो कॉन्टेंट देखा. पहले मैंने ये नहीं देखा किसकी वीडियो है, क्या सिनेरियो है. मैंने पहले कंटेंट देखा. मुझे कंटेंट जो है वो हिट करा दिमाग पे. मुझे कंटेंट जो था वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बंदा कम काम करे लेकिन अच्छा काम करे. और ये प्रोडक्ट जो था, मुझे ऐसा लगा कि यार ये जो है ना, एक मैसेज डिलीवर हो सकता है, एक सिनेरियो जो है ना, वो हम आवाम को और हर किसी को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या अली से आपका? नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने गाना किया है राफी स्टार के साथ, एंड वी विल बी वर्किंग ऑन द वीडियोस. ओके. ये एल्बम अभी आप कर रहे हो या सिंगल है? सिंगल. ठीक हो गया. ठीक. उसके अलावा मॉडलिंग की साइड और एक्टिंग की साइड आप आना चाह रही हैं या सोच रही हैं अभी? मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ. आई डू वांट टू कम टूवर्ड्स द एक्टिंग साइड. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और फहद? मैं तो मॉडलिंग करते थे. मैं बेसिकली मॉडलिंग, तो आई हैव डन कपल ऑफ ब्रांड शूट्स बिफोर, प्लेंटी ऑफ TVCs, सीरियल्स करें, एक फिल्म अभी चल रही है, उसके शूट पे चल रहा है अभी सिलसिला. तो मॉडलिंग एंड एक्टिंग एट द सेम टाइम, आई एम डूइंग द प्रोडक्शन एज वेल. मैं TVCs डायरेक्ट करता हूँ, प्रोडक्शन में हूँ, एज अ प्रोड्यूसर काम करता हूँ. हमने जो है वो सीरियल में एज अ को प्रोड्यूसर काम करा है, एक फिल्म आ रही है उसके अंदर को प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ. तो एक जो वो है सिलसिला चल रहा है. गुड.